मेरा स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ मैम वीना गोयल हैं, जो नेविगेटर्स ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। 27-28 साल का मैम वीना गोयल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कूलिंग वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो या स्पाउस वीज़ा हो, वीना मैम सभी तरह के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। और लगातार ऑस्ट्रेलिया से पिछले कुछ दिनों से वीज़ा का ट्रेंड अच्छा है, अच्छे वीजे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। लेकिन विनम्रम सबसे पहले आपका स्वागत है, और इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन है कि अब मुझे लगता है जुलाई इनटेक काफ़ी मुश्किल होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी जो 23 पास आउट है, क्या वो पाथवे का ऑप्शन लें, और जो फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 10+2 हमारा कम्प्लीट किया है उनके लिए अब कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया के? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जो 23 पास आउट हैं, अब उसमें यूनिवर्सिटियों के लिए तो बहुत मुश्किल है, कर सकते हैं अप्लाई, डेडलाइंस नहीं आई हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के रेडी हैं, इनकम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, क्योंकि सबको पता चल ही गया होगा कि ऑलमोस्ट $5,000 लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। पहले 24,500 थे जो 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस शो करते थे, अब 29,000 मेरे ख्याल 500 समथिंग ये इतना हो गया, तो ऑलमोस्ट $5,000 इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो आपका कोई ये 2,60,70,000 बनता है, तो जो आप फंड शो करते थे अब 2.5 लाख से ऊपर आपको वो भी शो करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट आप 3 लाख एक्स्ट्रा मान के चलिए। अब इंटेक जो है आपका, जो बच्चा 23 है उसका तो अगर सब कुछ रेडी है तो वो कर सकता है, फिर चांसेस हैं। अदरवाइज इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है पाथवे का, कि आप जो फर्स्ट ईयर जो है जो भी अभी है, आप इमीडिएट एडमिशन लेके अपना वो जो गैप पीरियड है कंप्लीट कर सकते हो, और आप फिर जैन फेब वाले इनटेक में ऑस्ट्रेलिया के लिए लगा सकते हो। 6 महीने आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपका गैप कवर हो जाता है। सेकेंड, जो 24 वाले बच्चों का रिजल्ट आया ही है, तो वो बच्चे जो हैं उनके पास टाइम है थोड़ा सा, तो वो अब देखो एक मिड इनटेक भी आएगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, वो छोटा इनटेक होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में ऑप्शन नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में ऑप्शन है। फिर वो बच्चे जैन फेब इनटेक, जैन लास्ट है, फेब फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटियों का शुरू होता है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों के प्लस टू वाले बच्चों के कईयों ने जैसे रिजल्ट आ गया, और काफ़ी सारे बच्चों ने आयल्स या पीटी पहले ही कर ली जब इनका रिजल्ट आना था, जो अच्छे बच्चे उन्होंने पहले ही कर लिया था, तो अब वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कई बार लकीली उनका, क्योंकि अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जीटी के पेपर रेडी हैं, तो साथ के साथ होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑफर लेटर आती है अगर हमारी जीटी अप्रूव है तो फीस जमा करके स्टूडेंट्स फी अब इमीडिएट वो अपना वीज़ा के लिए फाइल लगा सकते हैं। जो हमारी नॉलेज में वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा आ रहा है, जिन्होंने 1 ईयर की फ़ीस पे की थी उनका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा आया इस टाइम हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखें कि कोशिश करें कि फाइनेंशियली उनको लगता है ये बच्चा पढ़ने आ रहा है, 1 ईयर की फ़ीस पे की है, तो वो थोड़ा सा हमने देखा कि ट्रेंड थोड़ा ठीक रहा। बाकी जो बच्चे आर्ट्स के बच्चे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी, पंजाब के हैं, आर्ट्स के हैं, वो बच्चों के भी वीज़ा आए हैं। तो मतलब एक इस टाइम जो बिल्कुल ही वीज़ा नहीं आ रहा था, एक बिल्कुल वीज़ा जब से पिछले 2-3 दिन में काफ़ी हलचल शुरू हुई है, और जो भी बच्चों की फाइलें लगी थी उनके वीज़े आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। अभी आप जैसे आपने कहा, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि जुलाई के लिए 23 जिनके पास तो फंड्स रेडी हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर किसी को टाइम लगता है तो वो इंडिया में जो पाथवे आप बता रहे हैं वो 23 पास आउट इंडियन पाथवे के जरिए जनवरी फरवरी में जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल बिल्कुल, वो है ही, पाथवे का मतलब ही यही है कि वो यूनिवर्सिटी का जो वहाँ का एक सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर, वो यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, तो वो ऑनलाइन फास्ट ट्रैक पे करा के जो 8 मंथ्स का प्रोग्राम है वो 6 मंथ में कंप्लीट करा देते हैं। उसके साथ ही इनके जीटी रेडी होती है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, इनके इनकम के डॉक्यूमेंट जो कि जीटी यूनिवर्सिटी उतनी टाइम करती है, और वहाँ सेकेंड सेमेस्टर में इनका एडमिशन होएगा या सेकेंड ईयर में, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी का, इन्होंने कितने यूनिट्स किए हैं ऑनलाइन उसके हिसाब से होता है, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसमें क्या है ना कि अगर वीजा नहीं लगता तो फीस भी 100% वापस हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है,
इसका मतलब है 23rd पास आउट स्टूडेंट्स के लिए आपके पास ऑप्शन है। ये एडमिशन की डेडलाइन क्या है? एडमिशन की डेडलाइन तो देखो जो 23 पास आउट वाले हैं जो अभी मेरे ख्याल ये मई 31st तक होंगी हमारे पास, मई 31st या जून 1st वीक तक हैं, तो बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी आपने ऑप्शन बताई। अदरवाइज स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी के लिए अपनी प्रेपरेशन रखे। मैम जिन स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे काफी सारे बच्चे जो हमने लास्ट प्रोग्राम्स किए थे सिंगापुर गए थे, नहीं तो जिनके गैप थे, और उनके सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया वीजा लग गया। कोई भी बच्चे का वीजा नहीं रुकता। जो मैंने काउंसलिंग में बात कही थी कि तुम्हारी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए वहां से वीजा लेने के लिए, ये वहां से बच्चों का फोन आया, मैडम उन्होंने भी वही बोला है, क्योंकि हम कभी बच्चे को मिसगाइड नहीं करते कि यहाँ कुछ कह रहे हैं वहां कुछ कह रहे हैं। अगर बच्चे का गैप आ गया या किसी वजह से, मतलब बच्चा कह रहा है कि चलो मैं अभी इंडिया में पढ़ने की बजाय ऑनलाइन मैं सिंगापुर पढ़ लेता हूँ, तो वो भी ऑप्शन है। और सेकेंड ईयर में बच्चा डायरेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया जाएगा वो गारंटेड है, तो उसमें कहीं कोई वो ये नहीं कि कोई रुकावट है। ये 23 वाले बच्चों के लिए बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। सो स्क्रीन पे नंबर है, सभी स्टूडेंट्स तुरंत वीना मैम से बात करें, अपना प्रोफाइल डिस्कस करें। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें, पर्सनली उनसे कॉल करें। उनका लाइव शो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 12 बजे के बाद लगातार लाइव होते हैं। अदरवाइज इस नंबर पर आप कभी भी अपना प्रोफाइल भेज के वीना मैम से पर्सनली बात करें। चंडीगढ़ में सेक्टर 35C में वीना मैम का ऑफिस है, आप पर्सनली ज़रूर सभी स्टूडेंट्स उनको मिल सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन जूम मीटिंग के जरिए भी वीना मैम की टीम से काउंसलिंग कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।